1948 को बर्तानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस का कयाम अमल में आया, जिसका आगाज पार्क अस्पताल से हुआ, जिसे अब ट्रेफर्ड जनरल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। 72 सालों में एनएचएस को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन आज भी ये इदारा दुनिया भर में सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर का एजाज रखता है। कम्युनिटी रहनुमाओं और माहिरीन सेहत ने एनएचएस की 72वीं सालगिरह पर खुसूसी पैगाम दिए। तफसील बताएंगे शकील सलाम। डॉक्टर फरजाना हुसैन की एनएचएस के लिए खिदमात पर उनकी तस्वीर लंदन के पिकेडली सर्कस पर सबसे बड़ी स्क्रीन पर लगाई गई। बरतानिया के नामवर फोटोग्राफर ने एनएचएस में काम करने वाले लोगों की पोर्ट्रेट तैयार की, जो बरतानिया भर में एनएचएस की 72वीं सालगिरह पर मुख्तलिफ मकामात पर लगाकर उनका शुक्रिया अदा किया जाएगा। एनएचएस की 72वीं सालगिरह पर डॉक्टर सादिया अंसर, डॉक्टर सारा हुसैन, डॉक्टर अंसर हयात, डॉक्टर सुहेल अनवर और ब्लैकमन के मेयर राजा इफ्तिखार हुसैन ने कहा, प्राउड वर्किंग एज अ जीपी इन एनएचएस हेल्थ सिस्टम। ये एक यूनिक हेल्थ सिस्टम है जो न सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपकी सोशल वेलबींग, मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ख्याल रखते हैं। एनएचएस की बर्थडे के मौके पे मैं आपको एक सिंपल पैगाम देना चाहती हूँ कि जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चेंजेस हैं जो आप ला सकते हैं, और इससे आपकी अपनी हेल्थ भी बेहतर होगी और लॉन्ग टर्म में एनएचएस को भी हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, वेट मैनेजमेंट, डाइट कंट्रोल एंड पुटिंग द एक्सरसाइज रेजिम इन योर लाइफ, दीज आर द सिंपल चेंजेस विच यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड यू कैन हेल्प योर एनएचएस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सारा हुसैन, डेंटल सर्जन और प्राउड वर्कर विद द एनएचएस। आज एनएचएस की 72nd एनिवर्सरी है। कंग्रेचुलेशंस एनएचएस। पिछले 72 ईयर्स में कई लोगों का एनएचएस के जरिए इलाज हुआ है और शायद आपका भी। पिछले कुछ महीनों में कोरोना वायरस के क्राइसिस ने एनएचएस को टेस्ट किया है। अफसोस की बात है कि 300 से ज्यादा एनएचएस वर्कर्स और सोशल केयर वर्कर्स ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है कोरोना वायरस को लड़ते हुए एनएचएस की फ्रंट लाइन्स पर। आज एनएचएस की 72वीं सालगिरह पे मैं बड़ी खुशी से आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि एनएचएस बड़ा यूनिक हेल्थ सिस्टम है इन द वर्ल्ड, के जिसमें मरीजों का इलाज जो है वो उनकी क्लिनिकल जरूरत के मुताबिक किया जाता है, ना कि इस बुनियाद पे कि उनकी पॉकेट में कितने पैसे आए या वो कितना पे कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंतहाई प्रेशियस इंस्टीट्यूट है। ये हमारे जो सोशल जस्टिस सिस्टम है उसका ये बुनियादी एक इंटीग्रल एलिमेंट है, जो किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए बड़ा जरूरी है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एनएचएस को लुक आफ्टर करें। जो लोग एनएचएस के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करें, उनके लिए उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और ये हमारा एक असासा है, और इसलिए फ्यूचर में जहां पे भी आपको कहीं मौका मिलता है, जो आपके फ्यूचर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमेशा उनसे क्वेश्चन करें कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो एनएचएस के लिए कैसी हैं, और वो क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे एनएचएस को सस्टेन करने में मदद मिलेगी। माय नेम इज सुहेल अनवर, आई एम कंसल्टेंट सर्जन इन इंग्लैंड। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द होल ऑफ द नेशन ऑन 72nd बर्थडे ऑफ आवर नेशनल हेल्थ सर्विसेज। I'm delighted to say that the NHS is the one of the best in the world. It gives you the best quality treatment to everybody, irrespective of sex, age and financial status of that particular person. And this is going on for the last 72 years. At this day and age, nowadays, National Health Service has become more important in the given situation of COVID-19, coronavirus pandemic. Our doctors, nurses and paramedic staff are working tirelessly in containing the virus and treating the infected patients. We are very lucky to have one of the best National Health Service in the world. I would like to thank all the frontline key workers in the NHS and public care services. Some time ago, I was involved in a car accident, and the level of care I received by the NHS was extraordinary. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you, key workers!